हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के तहत रामपुर के दत्तनगर में प्रदेश का पहला वेद विद्यालय खुला है। बीहीप के उत्तरी भारत के संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर ने हवन पूजन कर इसका विधिवत प्रारंभ किया। इस दौरान लोगों को बताया कि इस तरह के वेद विद्यालय खोलने का मकसद आम जनमानस तक वेदों का ज्ञान पहुँचाना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के तहत रामपुर के दत्तनगर में प्रदेश का पहला वेद विद्यालय खुला। बीहीप के उत्तरी भारत के संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर ने हवन पूजन कर इसका विधिवत प्रारंभ किया। इस दौरान लोगों को बताया कि इस तरह के वेद विद्यालय खोलने का मकसद आम जनमानस तक वेदों का ज्ञान पहुंचाना है। इससे भारतीय संस्कृति का भी संरक्षण हो सके और वैदिक परंपरा को भी बेहतर निर्वहन हो, इससे समाज संस्कारित होने के साथ संस्कृति से भी परिचित होगा। उन्होंने कहा, विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से ये प्रयास रामपुर से शुरू हुआ है। प्रदेश में ऐसे और भी विद्यालय खोले जाएंगे। बीएचपी के उत्तरी भारत संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर ने बताया कि वेद के माध्यम से जो संस्कार बच्चों में आने चाहिए, इसके लिए बच्चों को इस दिशा में आगे ले जाना जरूरी है। इसका प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य को लेकर रामपुर के दत्तनगर में वेद विद्यालय की स्थापना की गई। उन्होंने एनआरसी सीएए को लेकर भी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने जो विधेयक पास किया है उसका भी समर्थन करते हैं। इसका हर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के सभी आयाम प्रचार प्रसार करेंगे। माध्यम से भी हमारे एकल विद्यालय के भी बहुत बड़ी संख्या में इस हिमाचल क्षेत्र में संस्कार केंद्र चलते हैं, तो उस माध्यम से भी हम समाज से संपर्क करके उनको वापस अपने धर्म में लाने का काम कर रहे हैं। यही प्रयागराज भवन में अपना जहां उनका निवास था वो बाद में कार्यालय बना और वहां पर वेद विद्यालय का प्रारंभ उन्होंने स्वयं अपने प्रयत्नों से प्रारंभ किया था, क्योंकि सामान्य जनमानस में इस प्रकार की एक भ्रांति रहती थी कि वेद सामान्य मनुष्य से पहुंच से दूर है, बड़ा कठिन है, कैसे पढ़ा जाए। लेकिन उन्होंने इसको सरलतम, सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग उसको जान सकते हैं, सीखना चाहिए। घर घर में वेद का पाठ होगा तो इसका मतलब है कि वेद की सभी ऋचाओं में भगवान का वास होता है, और इसलिए अगर वेद पढ़े जाएंगे तो भगवान घर घर में रहेंगे, उस घर संस्कार उस प्रकार के हमारे घर में रहने चाहिए। और इसीलिए इसी योजना से हिमाचल प्रदेश के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर भी इच्छा प्रकट की, इन्हीं लोगों के प्रयत्न से, और हमारे जिस भवन में हम सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर वेद विद्यालय का आज शुभारंभ हो रहा है। हमारे श्री वसंत लाल गग्गल जी, उन्हीं ने सब यह भवन अपने इस वेद विद्यालय के लिए दिया है, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के समर्पण से आज वेद विद्यालय प्रारंभ हो रहा है। इसके लाभ क्या है, और वास्तव में जो समझदार है उसको यह मालूम है कि CAA यह जो विधेयक आया है, जो कानून बना है, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी की कोई नागरिकता छीनने का यह विषय है ही नहीं। आचार्य बानू ने बताया कि हिमाचल में पहला वेद विद्यालय शिमला जिले के रामपुर में खोला गया है। आने वाले समय में जिस तरह से शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ेगी, उसी हिसाब से प्रदेश में और वेद विद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने कहा, जो बच्चे वेदों का ज्ञान लेने के इच्छुक हैं, वे हमारे पास आए, वेद विद्यालय में पढ़कर वेद का प्रचार प्रसार करें। हमारा लक्ष्य समाज को एक दिशा देना है, लोगों में हमारी संस्कृति सभ्यता कर्म कांड का सही तरीके से ज्ञान हो, ये प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में पांचवी कक्षा पास करने वाले छात्र जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष, ऐसे छात्रों को लिया जाएगा और उनमें वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। वेद विद्यालय में हम पांचवी कक्षा पास करने वाले छात्र को लेंगे जिसकी उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए, और उनको यहाँ पर वेद, जो हमारे चार वेद होते हैं उसमें एक वेद हम देंगे जो हमारे पास शुक्ल यजुर्वेद माध्यांजलि संहिता है, उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि आज यदि देखें हर क्षेत्र में कर्मकांड को लेकर के देखें या विवाह शादी को लेकर के देखें और अपनी संस्कृति को देखें, तो ये लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है।